मुमरा रेती बंदर पर मिली महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, कहा पति ने शक के चलते की पत्नी की हत्या। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा रेती बंदर पर मिली महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है। आपको बता दें, मुमरा पुलिस को 27 मई के दिन एक लाश मिली थी महिला की, और इसी महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का जो शक था उसे जताते हुए 302 के तहत मामला दर्ज करते हुए तीन टीम का गठन करते हुए छानबीन की। और छानबीन में आपको बता दें, इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इस अज्ञात महिला की शिनाख्त की, और शिनाख्त में मालूम पड़ा ये महिला जिसका नाम उमे जान उर्फ मुन्नी था, ये 28 वर्षीय महिला जो कि रहने वाली वर्सोवा की थी, और वर्सोवा में इसका पति के साथ अक्सर विवाद कर होता था, और इसी पति के विवाद के कारण पति जो नवाब नूरू शेख है उसने बेरहमी से हत्या कर दी। शक के चलते हत्या की गई, और हत्या करने के बाद मुमरा रेती बंदर पर इस महिला का शव जो है पहले सेलो टेप से और फिर कपड़े से बांध करके फेंक दिया गया। अब इस पूरे हत्याकांड को पुलिस ने उजागर करते हुए कहा कि इसमें जो नवाब नूरू शेख है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छुपा था और वो बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इसके साथ में इसका एक साथी भी था जो वो भी गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम सलमान उर्फ रज्जन कल्लू है। ये दोनों ने मिलकर साजिश रची, और साजिश के तहत नवाब नूरू शेख की पत्नी उमे जान उर्फ मुन्नी को मौत के घाट उतारा। हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामला को लेकर पत्रकार परिषद करते हुए परिमांड एक के उपायुक्त गणेश गावड़े ने क्या जानकारी दी। 20 मई 2023 को पुलिस स्टेशन मुमरा की हद में रेती बंदर में एक डिकम्पोज डेड बॉडी मिली थी, उसमें मैगर्स डेवलप हुए थे, उसमें गले पर ओढ़नी लपेटी हुई थी, बेडशीट में वो बॉडी लपेट कर एक बोरी में डाला था और वो बोरी को सेलो टेप से पैक किया था। वो डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस स्टेशन मुमरा में सीआर नंबर 575 2023 ये आईपीसी की 302 और 201 की धाराओं के अनुसार मर्डर का गुनाह दाखिल किया गया। उसके डिटेक्शन के लिए टोटल तीन टीम्स फॉर्म की गई। जहां पे डेड बॉडी मिली वहां ऑफेंस डिटेक्ट करने के लिए सीसीटीवी चेक करने के लिए एक टीम लगाई, वो सीसीटीवी चेक कर रही थी। दूसरी टीम मिसिंग जो वर्णन था 25 से 30 साल की वो डिसीज उनका उम्र थी, तो वो कोई चीज मिसिंग है, कोई औरत मिसिंग है इसके बारे में पुलिस स्टेशन थाने सिटी, थाने रूरल, नवी मुंबई, मुंबई शहर और मीरा भाईंदर यहाँ पे मिसिंग चेक किए। ये चेक करते समय मिसिंग में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन सीसीटीवी में जो वीपीआई उगल मुगली है इनकी टीम चेक कर रही थी, तो तीन दिन पहले यानी 24 मई को रात को 10 बजे एक रेड कलर के टेम्पो की मूवमेंट, सस्पिशियस मूवमेंट वो जगह पर दिखी। वो बैक ट्रैक कर की तो गाड़ी के बारे में जानकारी मिली, वो गाड़ी जिस आदमी के नाम पे थी वो थे नवाब नूरू शेख, ये वर्सोवा अंधेरी पश्चिम मुंबई के रहने वाले थे। उनके घर पर जाके और ज्यादा पूछताछ की, वहां पर पूछताछ करने के बाद जानकारी मिली वो और उनकी वाइफ दो दिन से ये नहीं है और तीन दिन से उनकी वाइफ वो नहीं है। तो फिर वहां पर इंट्रोगेशन शुरू था, उसके साथ ही वो आरोपी नवाब वो वहां पर नहीं थे। उनके सर्च के लिए एक टीम हमारी यूपी गई और दूसरी टीम मुंबई में इस ऑफेंस के रिलेटेड इंक्वायरी शुरू थी। तो मुंबई की टीम को ये इंक्वायरी करते समय जानकारी मिली, उन्होंने सीसीटीवी चेक किए, तो सीसीटीवी में जिस दिन ये आरोपी बाहर गया था वो वाइफ उनकी जिस दिन से गायब थी वहां पर एक 20 साल के लड़के की सलमान अलायस रज्जन कुलू खान उनकी कुछ मूवमेंट सस्पिशियस लगी, तो उनको इंट्रोगेट किया। तो सलमान उर्फ रज्जन कुलू खान इन्होंने बताया कि आरोपी नवाब इन्होंने नवाब शेख इन्होंने उनकी पत्नी की हत्या की है। हत्या करते समय गले में गला दबाकर नवाब ने गला दबाया और सलमान ने उनके जो डेथ हुई वो मुन्नी उनके पैर पकड़ के रखे थे। इसके ये इंक्वायरी शुरू थी। इस वक्त दूसरी टीम हमारी पश्चिम बंगाल में गई थी नवाब के घर, वहां पे मुर्शिदाबाद और वर्धमान ये डिस्ट्रिक्ट में 8 दिन तक हमारी टीम रही। पश्चिम बंगाल के पुलिस
पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद लेकर हमारी टीम ने वहां पे सर्च शुरू रखा और आरोपी को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से हिरासत में लिया गया। उसको बहिरामपुर कोर्ट में प्रोड्यूस कर उसकी ट्रांजिट रिमांड ली और उसको पुलिस स्टेशन मुमरा लाया गया। यहाँ पे अब तक वो पुलिस कस्टडी में, 17 तारीख तक उनको पुलिस कस्टडी मिली है। वो आरोपी को अरेस्ट करने के बाद इंट्रोगेशन में उसने बताया उसकी बीवी उम्मेजान बीबी उर्फ मुन्नी नवाब शेख, जिनकी उम्र 26 साल है, उनसे 2012 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद वो दोनों में झगड़े थे और आरोपी उसके कैरेक्टर पर डाउट लेता था। उस वजह से उनमें झगड़े थे और झगड़ों के कारण ही उसने 24 तारीख को, 24 मई 2023 को दोपहर 2 बजे उनको गला दबाकर ओढ़नी से उनको मार दिया गया था और वो पकड़े ना जाए इसलिए बॉडी डिस्पोज करने के लिए, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने वो बॉडी आरोपी नंबर 2 उसके साथ मदद लेके उन्होंने रीति बंदर मुमरा के हद में फेंक दी थी। उनको ऐसे लगा था कि आरोप वो गुना डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए और वो ऑफेंस डिटेक्ट किया है। इसमें हमारी एसीपी श्री विलास शिंदे, पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई निवृत्ति कोलटकर, पुलिस स्टेशन में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है बाबा पीआई निकम, वो और जो हमारी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया वो एपीआई उगल मुगले, एपीआई बोरसे, एपीआई कुंभार, पीएसआई भोसले और टेक्निकल सपोर्ट जिन्होंने किया वो पीएसआई मकानदार, एएसआई जाधव और हमारे पुलिस कांस्टेबल माली और बाकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो सलमान है ये नवाब से कोई पहचान का था? पहचान का था। सबकी बुनियाद पर अगर हत्या कर देना, क्या कोर्ट का सहारा या पुलिस की सहारा लेकर अगर मतभेद में अलग हो जाने ये भी चूज करते थे, लेकिन हत्या करना किस तरीके से? हत्या करना गलत है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उसके ऊपर गुनाह दाखिल कर उनको सजा भी होगी। उनको प्रॉपर्टी का सामान जा रहा है, क्राइम ग्राउंड में किया हुआ, फ्लाइट किया हुआ है सर, और रेखी की इस बारे में क्या बताएगा? रेखी की ये मुद्दा को हमेशा लेना था फ्लाइट लेकर आरोपी अटेगा, इस बारे में क्या बताया? आरोपी का बैकग्राउंड क्या था? आरोपी पेड ट्रिमिंग का काम करता है और उसने पूरा, उसको ये कॉन्फिडेंस था कि वो गुना किसी भी हालात में पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी और हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस इसकी वजह से हमने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। जिस तरीके से कुटुंब परिवार में मतभेद होता है और अगर आदमी के बीच में, तो वो किस तरीके से आप लोगों को आह्वान करना चाहूँ की इसमें के बजाय दूसरा सहारा भी ले सकते हो, कोर्ट हो या पुलिस का सेटलमेंट हो? किसी भी प्रकार से झगड़ा होगा, किसी भी प्रकार के वायलेंस होगा तो पुलिस स्टेशन में आना चाहिए। पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर कर सकते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 उसके अनुसार भी मदद की जा सकती है, लेकिन झगड़ा करना, मारा पीटी करना या ऐसा क्राइम करना ये गलत है। पुलिस कस्टडी कब तक? 17 तारीख तक। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।